कहानी है चित्तौर की खूबसूरत रानी पद्मावती और उनकी खूबसूरती के पीछे पागल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। रानी पद्मावती, जिनको पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है, इनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। रानी पद्मावती के पिता सिंघल प्रांत के राजा थे, जो आज के समय में श्रीलंका में पड़ता है। उनका नाम गंधर्व सेन था और माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती बाल्यकाल से ही अत्यंत खूबसूरत और मनमोहक थी। महाराज गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया था, जिसमें भाग लेने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे। उसी स्वयंवर में मौजूद थे चित्तौड़ के राजा राजा रवल रतन सिंह। रानी पद्मावती का विवाह स्वयंवर विजेता चित्तौड़ के राजा रवल रतन सिंह के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ। राजा रतन सिंह एक बहादुर और साहसी योद्धा थे। वह एक प्रियपति होने के साथ ही एक बेहतर शासक भी थे। वे चित्तौड़ के राज्य को बड़े कुशल तरीके से चला रहे थे। उनके शासन में वहाँ की प्रजा हर तरीके से सुखी थी। राजा रतन सिंह को कला में भी काफी रुचि थी। उनके दरबार में एक काफी बुद्धिमान लोग थे। उनमें से एक प्रसिद्ध संगीतकार राघव चेतन भी मौजूद थे, जो रतन सिंह के काफी प्रिय थे। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राघव चेतन एक जादूगर भी था। वे अपने इस कला का उपयोग शत्रुओं को चकमा या अचंभित करने के लिए आपातकालीन समय में इस्तेमाल करता था। एक दिन राघव चेतन काला जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जब राजा को इस बारे में पता चला कि राघव चेतन गुप्त रूप से काला जादू करता है, तो राजा ने उसे राज्य से अपमानित करके निकाल दिया। इसके बाद राघव चेतन ने दिल्ली की तरफ जाने की ठानी और वहां जाकर वे दिल्ली के पास एक घने जंगल में छुपे रहे, जहां सुल्तान अक्सर शिकार के लिए आया करते थे। एक दिन सुल्तान शिकार करने जंगल पहुंचे ही थे, तभी राघव चेतन ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी की आवाज सुनकर सुल्तान ने बांसुरी बजाने वाले को ढूंढने का आदेश दिया और तब राघव चेतन स्वयं उनके सामने आए। तभी सुल्तान ने उनसे अपने साथ दिल्ली के दरबार में आने का आदेश दिया और दिल्ली जाकर राघव चेतन ने चित्तौड़ राज्य की सैन्य शक्ति, चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा, वहाँ की संपत्ति और वहाँ के साम्राज्य से जुड़ा एक एक राज खोल दिया। यहाँ तक कि राघव चेतन ने दिल्ली के सुल्तान को चित्तौड़ के राजा रवल रतन सिंह की धर्मपत्नी रानी पद्मिनी की खूबसूरती के बारे में भी बताया। उनकी खूबसूरती के बारे में सुनने के बाद अलाउद्दीन उन्हें मन ही मन चाहने लगे थे। राघव चेतन की बातें सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ही दिनों में चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करने का मन बना लिया और अपनी एक विशाल सेना चित्तौड़ के लिए रवाना कर दी। चित्तौड़ पहुंचते ही अलाउद्दीन के हाथ निराशा लगी, क्योंकि उन्होंने पाया कि चित्तौड़ को चारों तरफ से सुरक्षित तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन वो रानी पद्मिनी के सुंदरता को देखने का और इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा रतन सिंह के लिए यह संदेश भेजा कि वो रानी पद्मिनी को बहन मानते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। खिलजी के इस अजीब मांग को राजपूत मर्यादा के विरुद्ध बताकर राजा रतन सिंह ने ठुकरा दिया। लेकिन निराश रतन सिंह को अपने साम्राज्य को अलाउद्दीन के तीव्र प्रकोप से बचाने का एक मौका दिखाई दिया। रानी पद्मावती सुल्तान को अपनी झलक दिखाने को तैयार तो हो गई, लेकिन केवल प्रतिबिंब में। इसके लिए किले के एक ऊंचे बुर्ज में अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया गया। उसके सामने एक आईना लगा दिया गया। वो बुर्ज के एकदम नीचे एक तालाब था, जो बुर्ज में लगा आईने में साफ दिखाई देता था। तालाब के किनारे रानी पद्मावती खड़ी हो गई। रानी पद्मावती का प्रतिबिंब तालाब के पानी में पड़ा और तालाब का प्रतिबिंब उस आईने में दिखाई दिया। और इस तरह पहली बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के रूप को देखा। पद्मावती के रूप के बारे में सुल्तान खिलजी ने जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। पद्मावती को देखते ही अलाउद्दीन ने उसे अपना बनाने की ठान ली। शर्त के अनुसार चित्तौड़ के महाराजा ने अलाउद्दीन खिलजी को आईने में रानी पद्मावती का प्रतिबिंब दिखा दिया और फिर अलाउद्दीन खिलजी को पूरे मेहमान नमाजी के साथ चित्तौड़ किले के सातों दरवाजे पार कराकर उनकी सेना के पास छोड़ने गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर
अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और इसके बाद उसने संदेश भेजवाया कि महाराजा रतन सिंह को जीवित देखना है तो रानी पद्मावती को तुरंत अलाउद्दीन खिलजी की खिदमत में किले के बाहर भेज दिया जाए। राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के गिरफ्त से सकुशल मुक्त कराने के लिए रानी पद्मावती ने सोनगढ़ के चौहान राजपूत जनरल गौरा और बादल के साथ मिलकर सुल्तान को उसके ही खेल में हराने की ठानी और कहा कि अगली सुबह रानी पद्मावती को उनके यहाँ भेज दिया जाएगा। और फिर सुबह 150 पालकी मंगवाई गई और उन्हें किले से अलाउद्दीन के कैंप तक ले जाया गया, लेकिन पालकी के अंदर रानी पद्मावती और उनके दासियों के भेष में लड़ाके योद्धा मौजूद थे। योद्धाओं ने दिल्ली के सेना पर आक्रमण कर दिया और इसी चालाकी से राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन के गिरफ्त से छुड़ा लिया गया और रतन सिंह को सुरक्षित रूप से महल पहुंचा दिया गया। कहा जाता है कि वासना और लालच इंसान की बुद्धि हर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुल्तान को जब खबर लगी कि उनके साथ छल हुआ है तो इस बात को सुनकर सुल्तान आग बबूला हो गए और उसने तुरंत ही चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। राजा की सेना सुल्तान की सेना से बहुत छोटी थी, लेकिन रतन सिंह के पास युद्ध के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उन्होंने युद्ध का आदेश दिया और किले का दरवाजा खोलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। किले का दरवाजा खुलते ही अलाउद्दीन और उसकी सेना ने आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में पराक्रमी राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी सेना भी हार गई और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले को जीत लिया। युद्ध में राजा रतन सिंह और अन्य राजपूत योद्धा की मारे जाने की खबर सुनकर रानी पद्मावती ने जौहर करने का निर्णय लिया। जौहर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारी महिलाएं अपने दुश्मन के साथ रहने के बजाय स्वयं को विशाल अग्निकुंड में निछावर कर देती हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके हाथ लगती है सिर्फ निराशा, धुआं और राख। कहा जाता है आज भी चित्तौड़ की महिलाओं को और रानी पद्मावती के जौहर करने की बात को लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। कहते हैं राजपूत सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।